आंखों में अंधेरा छा रहा है, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, बुरा लगता है कि यार अपने जीवन को नष्ट क्यों कर रहे हो। बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो उन बंदों के लिए है जो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं और जो अपने एम यानी डिफेंस में जाना चाहते हैं, एनर्जी को नष्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें उन पे लागू होती हैं जो अपने एम को हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजों को आप फॉलो नहीं करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, यानी ये समझ लीजिए कि आप अपने एम को पाने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो। लेकिन आपको पता है कि छोटी सी गलतियों की वजह से आप कितना कमजोर रह रहे हो, कितना परेशान हो रहे हो। एक चीज मैं बता दूं, आज जी हाँ, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार उर्फ जड़ी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, कमेंट भी कर लो, वीडियो को लाइक कर लो यार, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारी तरफ से आपके लिए मोटिवेशनल होते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं आपके ब्रह्मचर्य जीवन। बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं यार, बहुत सारे बंदों को हम प्रैक्टिस कराते हैं सुबह शाम, जब बंदे चार चक्कर लगा रहे होते हैं तो जब बंदा दो चक्कर के बाद रुकने लगता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि क्यों रुके, तो उसका जवाब होता है कि मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। फिर हम उससे पर्सनली मिलते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो वो बताता नहीं है, शर्माता है। यार अपने जीवन में ना कुछ आगे बढ़ना है तो शर्माना नहीं है। अगर कोई भी कोच है, मैं हूं, कोई भी कोच है, अगर आपको प्रैक्टिस करा रहा है तो आपको उनसे खुल के बात करनी है। बहुत सारे बंदे ब्रह्मचर्य का जो पालन नहीं करते हैं और हिलाते हैं, हिलाना समझ गए ना, इन दोनों चीजें, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना और हिलाना बहुत खतरनाक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने कोच से संपर्क करें, संपर्क मतलब सलाह लें, डरे नहीं। जब ये बच्चे हमारे रनिंग करते करते रुकते हैं, हम उनसे पूछते नहीं बताते, फिर जब हम इनको मोटिवेट करते हैं फिर ये बताते हैं, तब हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार अपने जीवन को नष्ट क्यों कर रहे हो। मतलब ये छोटी सी चीज है, इससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन इससे नुकसान बहुत सारे हैं। रनिंग के दौरान आपको इतनी दिक्कतें होने वाली हैं, इसके जो नुकसान है वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, और आप ऐसा क्यों करते हैं, इनके जो कारण है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर एक, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, नंबर एक को शुरू करने से पहले बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो उन बंदों के लिए है जो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं और जो अपने एम यानी डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, स्पोर्ट्स मैन है, खास तौर से ये वीडियो उनके लिए है, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइए। सबसे पहला पॉइंट, उत्तेजना। अगर आप उत्तेजना जैसी, उत्तेजना क्या होता है पहले समझ लो, उत्तेजना जैसे गर्म चीजों का सेवन करना है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें गर्म का सेवन कर रहे हो और आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो, तो जब अपने आपकी बॉडी में इतनी गर्मी होगी, उत्तेजना आएगी, गर्माहट पैदा होगी, तब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ब्रह्मचर्य जो पालन होता है उसको आप तोड़ देंगे, यानी आप हिलाना बंद नहीं करेंगे, हिलाना चालू रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, अश्लीलता। अश्लीलता का संबंध इससे है कि जैसे आपके पास फोन है, आप बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं आपके पास YouTube वगैरह में, Facebook वगैरह में, ऐसे आप चलाते हो। आज की डेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है, पहले के जमाने, आज से 10 साल पहले जब हमने रनिंग शुरू की थी, जब हमने इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाहे थे 2010 में, तब कोई फोन नहीं होता था, कीपैड वाला फोन होता था, ये सारी चीजें हम लोग सर्च भी नहीं कर पाते थे कि क्या खाना है, क्या करना है, कैसे रनिंग करना है, ट्रैक भी देखना दुश्वार हो जाता, जब कभी रनिंग करने जाते तब ट्रैक देख पाते थे, अभी तो घर बैठे सारी चीजें देख सकते हैं। अश्लीलता वाले वीडियो इतने आते हैं कि आपको अंदर से जोश पैदा करते हैं, मजबूर करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं और बैठते हैं ऐसे लेट के वीडियो चलाते हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे वीडियो आते हैं, अब मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप सब समझते हैं, वो वीडियो आपके अंदर अश्लीलता पैदा करते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे वॉलपेपर आप लगाते हो जिससे आपके दिमाग में जाने कैसे ख्याल आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो अश्लील वीडियो बनाते हैं, तो फिर आप अपने ब्रह्मचर्य जीवन को तोड़ देते हो और हिलाना बंद नहीं करते हो। तीसरा, कि आप किसी काम में मन नहीं लगता। भैया जब ये करोगे तो मन नहीं लगेगा, आलस। आलस मतलब आप किसी काम को करने से डरोगे, घर में किसी ने बोला ये काम करना है, नहीं करेंगे, आलस रहेगा। जब आलस रहेगा तो आपके अंदर खालीपन रहेगा, आप फ्री रहेंगे, तो फ्री रहेंगे फोन चलाएंगे, बहुत सारी चीजें, उत्तेजना अश्लीलता जब आएंगी आपके अंदर से, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल वही चीज करेंगे जो आपको अच्छा लगे, वो जब अकेले रहेंगे तो सारी चीजें करेंगे, ठीक। अब एक चीज,
चौथा पॉइंट फोकस। अगर आप अपने एम की तरफ फोकस करते हो तो एक चीज मैं बता दूं, जब फोकस करेगा कोई भी व्यक्ति कोई भी चीजों को फोकस करेगा तो इन चीजों से बचेगा, जब बचेगा तो नहीं करेगा, ये ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करता रहेगा तो आगे आने वाले टारगेट को पा लेगा। ठीक है, अब एक चीज लास्ट पॉइंट है टारगेट। टारगेट क्या होता है भैया? कोई भी चीज अगर आप कोई भी काम करना करना चाहते हैं और करना जाना चाहते हैं तो टारगेट बनाना होगा। अब मैं एक चीज अपने क्षेत्र से ले लेता हूं कि जब आप 1600 मीटर का टारगेट बनाएंगे, टारगेट मतलब कि आप उसके बारे में सोचेंगे, जब उसके बारे में कंटिन्यू सोचेंगे, टारगेट बना के रखेंगे कि मुझे 1600 करना है, और जब 1600 करना है तो इसमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी चीजों को करना होगा, जब टारगेट रहेगा तो आप इन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आप हिलाएंगे नहीं, यानी हिलाने का मतलब समझ गए, अपने अंदर की एनर्जी को नष्ट नहीं करेंगे। जो हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य जीवन, जो ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, हमारी बॉडी के हड्डियों में जा जाके हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमें ताकतवर बनाता है, हमें माइंड में सोचने की क्षमता देता है। तो जब इन चीजों का आप टारगेट में यानी इन चीजों को बचा के रखेंगे तो आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे, आप अपने एम पर जाएंगे, और जब एम पर जाएंगे तो आप खट से सफलता हासिल कर लेंगे। लास्ट वीडियो में बताऊंगा इनके बचाव कैसे कैसे है। सबसे पहले तो आप गर्म जो भोजन होता है, जो गर्म चीजें होते हैं बहुत सारी, अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो आप ग्राउंड पे उतनी ही मेहनत करेंगे। अगर आप अपना ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं नॉर्मल, आपको फिजिकल एक्टिविटी डिफेंस से कोई मतलब नहीं है, तो आप उतना ही गर्म चीजों का सेवन करें जितना आपकी बॉडी सूट करे। और एक चीज, ब्रह्मचर्य जीवन उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है जो अपने जीवन को वैवाहिक उसमें बांध चुके हैं, ठीक, वो नहीं है। ये तो एक ये सारी चीजें उन पे लागू होती हैं जो अपने एम को हासिल करना चाहते हैं, जैसे डिफेंस में जाना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। जब आपके आप शादीशुदा जिंदगी में चले जाएंगे तो भाई उसको तो ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं, वो भी ब्रह्मचर्य जीवन में ही आ जाएगा, उससे कुछ नहीं आपकी बॉडी में। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल जिंदगी निजी सुख पाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं करते हैं, हिलाना बंद नहीं करते हैं, तो आपको दिक्कतें होती है। अब इसके बचाव सुन लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं बस थोड़े शब्दों में आपको बचाव बताऊंगा। बचाव के तरीके ये हैं कि आप अपने आप को बिजी रखो, बिजी का मतलब कुछ कुछ काम करते रहो। जब आप रात में सोने जाओ तो आप ऐसे वीडियो मत देखो, अश्लीलता वाले, उत्तेजना वाले, यानी ऐसे वीडियो मत देखो जो आपको भ्रमित करते हैं, आपको अंदर से उत्तेजना पैदा करते हैं, ऐसे वीडियो बिल्कुल मत देखो। जब रात में सो तो अपने भगवान को याद करके, उनको यानी उनके उनको देख करके, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे आपके भगवान हो, जिनको आप मानते हो, उनको देखकर ही सोएं, आपको उत्तेजना नहीं आएगी। आप गर्म चीजों का सेवन करो, आपको उत्तेजना आ रही तो उतना मेहनत करो भैया, जब मेहनत करेंगे तभी अपने टारगेट पे जा पाएंगे। और मैं इतना गारंटी देता हूं कि जिस दिन इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया, मैं 100% गारंटी देता हूं, ऐसे बहुत सारे बंदों को हमने मोटिवेट किया और बहुत सारे चीजों, आज तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूं, ऐसा आपको खुद समझना चाहिए कि अगर हम आपको वीडियो के थ्रू बता रहे हैं तो हम उन बच्चों को कितना मोटिवेट करते होंगे इस चीज के बारे में। बहुत सारे बंदों की लाइफ बना दी हम लोगों ने ऐसे मोटिवेट वीडियो बना के, मोटिवेट शब्द बोल के उनको। आज वो नौकरी कर रहे हैं, आज वो याद कर रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई जिससे हमने हिलाना बंद कर दिया और ब्रह्मचर्य जीवन को नष्ट करना बंद कर दिया, आज हमारी लाइफ सेट है और हमें अंदर से बढ़िया मजबूती रहती है और हमने 1600 मीटर की रनिंग पास कर ली, हमने स्टेट में चैंपियनशिप हासिल कर ली, हमने बैडमिंटन में प्लेस दे दी, हमने फुटबॉल में बहुत अच्छा किया, हमने क्रिकेट में बहुत अच्छा किया। तो इन सारी चीजों को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी शब्द हमने बताए हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप पीछे जाके देखो, अगर आपने स्किप कर दिया तो पीछे जाके देखो कितने अच्छे शब्द बताए हमने, तो मैं गारंटी देता हूं आप इस वीडियो को अगर पूरा देखा होगा तो आप पक्का आज से ही हिलाना बंद कर देंगे और ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करेंगे और अपने एम से भटकेंगे नहीं। और मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन आपके इस कंधे पे वर्दी मिलेगी, यहां गले पे आपका मेडल होगा। जय जय भारत इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।